नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने स्वीकार किया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का दौर जारी। बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। अगले 36 घंटों में 6 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। संरक्षित की जाएंगी देश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पांडुलिपियां। देवप्रयाग वैधशाला में खोला गया संरक्षण केंद्र। देश भर के 20 युवाओं को नैनीताल में दिया जा रहा पांडुलिपियों के संरक्षण का प्रशिक्षण। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। योजना से प्रशिक्षण के बाद खुले स्वरोजगार के द्वार। प्रदेश के सभी जिलों में संचालित हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र। अब खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उनको सभी विपक्षी दलों से सहयोग की उम्मीद है। वर्षा सत्र में देश हित के कई महत्वपूर्ण मसले जिसका निर्णय होना जरूरी है, देश के कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना जरूरी है और जितनी व्यापक चर्चा होगी, सभी वरिष्ठ अनुभवी लोगों का सदन को मार्गदर्शन मिलेगा, उतना देश को भी लाभ होगा, सरकार को भी अपनी निर्णय प्रक्रिया में अच्छे सुझावों से फायदा होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सदन के समय का सर्वाधिक उपयोग देश के महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करेंगे। हर किसी का पूर्ण सहयोग रहेगा और देश भर में भारत की संसद की गतिविधि की छवि राज्य विधानसभाओं के लिए भी प्रेरक बने, ऐसा उत्तम उदाहरण सभी सांसद सदस्य और सभी राजनीतिक दल प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। हर बार मैंने अपनी आशा प्रकट भी की है, प्रयास भी किया है, इस बार भी आशा प्रकट कर रहा हूं, इस बार भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। कोई भी दल, कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। ये मानसून सत्र है, देश के कई भागों में वर्षा के कारण कुछ आपदाएं भी हैं और कुछ स्थान है जहां अपेक्षा से कम वर्षा है। मैं समझता हूं ऐसे विषयों की चर्चा भी बहुत उपयुक्त रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में हो रही बारिश से कुछ राज्यों में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में विस्तार से चर्चा होने से देश को लाभ पहुंचेगा। साथ ही कहा कि संसद की कार्यवाही प्रेरणा देने वाली होगी, जो राज्य विधानसभाओं के लिए भी एक उदाहरण सिद्ध होगी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गढ़वाल की बात करें तो भागीरथी, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है, जबकि कुमाऊं में काली नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। आज भी प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 19 से 22 जुलाई तक ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
जबकि अगले 36 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। SDRF और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को सभी जिलों में तैनात किया गया है। गोरी, थौली, सरयू और रामगंगा पांच प्रमुख नदियां हैं। मानसून काल में और असामान्य वर्षा के दौरान जो है इन नदियों का जलस्तर बढ़ता है। वर्तमान में महाकाली का जो जलस्तर है वो 889.10 मीटर है, जो चेतावनी लेवल पर है। इसको देखते हुए जो है उसका जहां अवलोकन किया जा रहा है वहीं जो है चेतावनी भी जारी की गई है कि लोग नदी के किनारे जो है आवागमन जो है न करें, और कहीं पर उससे कटाव बढ़ता है, कोई आबादी खतरे में आती है, तो पूर्व में चिन्हित जो स्थल हैं, ऊंचाई वाले स्थल हैं, वहाँ पर जन सुरक्षा की दृष्टि से वो चले जाएँ। और अन्य नदियों का जलस्तर अभी सामान्य अवलोकित हुआ है, और नदियों के जल स्तर पर जो है 24 घंटे अवलोकन जनपद स्तर पर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर RS राणा ने बताया कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, साथ ही नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। चमोली जिले की तहसील घाट और थराली में आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। प्रभावितों की सहायता के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं। लोगों के खाने और रहने का प्रबंध भी किया गया है। जिले में गत सोमवार को हुई अतिवृष्टि के कारण 41 परिवार प्रभावित हुए थे। आपदा प्रभावित 17 परिवारों को तात्कालिक सहायता के रूप में 3,800 रुपए के चेक प्रति परिवार के हिसाब से दिए गए हैं। साथ ही हर परिवार को अतिरिक्त सहायता के रूप में 5-5 किलो गेहूं और चावल भी उपलब्ध कराया गया है, जबकि बेघर हो चुके परिवारों को टेंट और तिरपाल दिए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज धुरमा मोख में राहत शिविर बनाया गया है, जहां 5 प्रभावित परिवारों को ठहराया गया है। वहीं बंद पड़े मार्गों में से ज्यादातर को खोल दिया गया है। इसके अलावा पेयजल और बिजली आपूर्ति भी सुचारू की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय इतिहास और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नैनीताल में भारतीय पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पांडुलिपि विशेषज्ञ अनूप शाह ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से संस्कृति और इतिहास से जुड़ी पांडुलिपियों को संरक्षित करने का काम चल रहा है। इसी के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में नक्षत्र वैधशाला देवप्रयाग को भी इसके लिए चिन्हित किया गया है। प्रशिक्षण के बाद देश भर से आए युवा अपने अपने राज्यों के पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों में पांडुलिपियों को संरक्षित करने का काम करेंगे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को शुरू किया था, और इस साल उन्होंने 27 से 30 नए पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भारत में खोले हैं। उसमें से उत्तराखंड में नक्षत्र वेदशाला देवप्रयाग, उसको भी चिन्हित किया है। तो इस बार ये जो हिमालयन सोसाइटी फॉर हेरिटेज एंड आर्ट कंजर्वेशन है, जो एक स्वयंसेवी संस्था है जो कलाकृतियों के संरक्षण में कार्य करती है, यहाँ पर पूरे भारत से 20 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो संरक्षण की जो आधुनिक विधि है उसको सीखने के लिए हमारे साथ एक महीना बिताएंगे, और उनको हम कंजर्वेशन ऑफ पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स की सब एनालिसिस, डायग्नोस्टिक्स और एक्चुअल रेमेडियल कंजर्वेशन तथा प्रिवेंटिव कंजर्वेशन की टेक्निक्स हम इनको यहाँ पे सिखाएंगे। प्रशिक्षणार्थी ऋषभ भारद्वाज ने बताया कि पांडुलिपियां वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिष की बात करें तो अब तक पंचांग से जितनी सटीक ग्रहों की स्थिति बताई जा सकती है, उतनी सटीक जानकारी आधुनिक तकनीकें भी नहीं दे पा रही हैं। संबंधित है, इसमें पंचांग बनाने की विधि का वर्णन दिया गया है। पंचांग तिथि, बार, नक्षत्र, राशि और ग्रहों से मिलकर के पंचांग का निर्माण होता है।
इसमें पूरी विस्तृत विधि पंचांग बनाने की दी गई है। पंचांग ग्रहों नक्षत्रों का बारीकी से अध्ययन करता है, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। कितनी भी आधुनिक विधियां डेवलप हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारे पंचांग बनाने वाले जो पंडित होते हैं वो 20 साल आगे के ग्रहों का, जैसे सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, यह ग्रह किसके सामने आएगा, वो तिथियां और समय निश्चित करते हैं। पांडुलिपि भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न तरह के ग्रंथों की हस्तलिखित पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। उनको संरक्षित करने के लिए ही देश भर में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से करीब 30 संरक्षण केंद्र खोले गए हैं। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना की बैठक में 66 करोड़ के विभागीय परिव्यय स्वीकृत किए गए। जिला योजना में कृषि, शिक्षा और पेयजल को प्राथमिकता दी गई। प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार सामूहिक खेती पर जोर दे रही है। प्रदेश में चकबंदी को एक साथ लागू करने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा कराने के लिए विभागों के विभाग अध्यक्षों को जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री उनियाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने को भी कहा है। चकबंदी के कंसेप्ट को गांव के लोगों को बताकर उनको जागरूक कर दिया जा सके, इसी कड़ी में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, मेरी बड़ी खुशी है कि अप्रत्यक्ष चकबंदी के तौर पर हम काम करने जा रहे हैं। कि हमने जो आपसे अभी कहा कि हम 10,000 क्लस्टर में काम कर रहे हैं, हम 95 गाँव एकीकृत मॉडल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श कृषि ग्राम के जो हमने एक सब इस राज्य में सभी से शुरू करने जा रहे हैं। इनमें हमारा जो सबसे बड़ा जो स्रोत वो है सामूहिक खेती, कलेक्टिव फार्मिंग के बल पर हम पूरे गांव एक गांव को एक जोत के सिद्धांत पर काम करने जा रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चकबंदी का ही एक पहलू है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस योजना के जरिए प्रशिक्षण लेकर महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं और अपने परिवार का सहारा भी बन रही हैं। चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र की विनीता बिष्ट, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय चली आई, पहले दिन भर खाली बैठी रहती थी। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी जुटाई और खाली समय में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने लगी। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लोन लेकर मोहल्ले में ही सिलाई की दुकान खोल ली। दुकान के जरिए विनीता आज खुद आत्मनिर्भर हुई और अपने परिवार का सहारा भी बन गई हैं। इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे मतलब इस टाइप का प्रशिक्षण, मुझे मेरे पास कोई साधन नहीं था, आजीविका का कोई साधन नहीं था स्वरोजगार का। मैंने RCT से प्रधानमंत्री कौशल विकास से मैंने प्रशिक्षण लिया 30 दिन का। उसके बाद मैंने ये सिलाई का प्रशिक्षण 30 दिन का सिलाई का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद मैंने अपना छोटा सा एक बुटीक खोला है, उसमें मैं 5-6 लोगों को आज रोजगार दे रही हूँ और मेरे महीने की आमदनी बहुत अच्छी है। मतलब 40,000 रुपये मेरा महीने का मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। प्रदेश भर में खुले कौशल विकास केंद्रों में विभिन्न तरह के रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण लेकर चंपावत की विनीता बिष्ट की तरह ही प्रदेश के कई युवा और महिलाएं अपनी तकदीर बदल चुके हैं। पुलिस कांवड़ मेले की तैयारियों में जुट गई है। कांवड़ मेले में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कांवड़ मेला क्षेत्र समेत शहर में विभिन्न जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। रुड़की कोतवाली में आयोजित बैठक में CO स्वप्न किशोर ने क्षेत्र के लोगों से कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर रखी जाएगी, इसके लिए पुलिस की एक टीम अलग से काम करेगी। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी एक अलग टीम गठित की गई है। आगामी कांवड़ मेले के मद्देनजर SPO साहेबान, 30 कमेटी के सदस्यगण और गणमान्य नागरिकों और मौजूद लोगों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों की तरफ से बड़ी संख्या में सुझाव भी आए। लोगों ने पूर्व के वर्षों की भांति इस बार अपने सहयोग की वचनबद्धता दोहराई और आश्वस्त किया कि जैसे
सक्सेसफुली पहले कांवड़ मेले का आयोजन होता रहा है, इस बार भी कांवड़ मेले में किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। जनता और जनप्रतिनिधियों का सहयोग यथावत बदस्तूर जारी रहेगा और लोग बढ़ चढ़कर कांवड़ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।